और असी चन्नी जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने जो पहले अमृतपाल ऑपरेशन के टाइम में भी, जहाँ उसकी जब भी घरवाली बाहर जा रही थी उस टाइम भी रोका गया, उस टाइम भी उन्होंने आवाज़ उठाई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उन्हों का असी धन्यवाद भी करते हैं, तो असं उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय च भी वो इदा पंजाब के हकों की, वो मोदी साहब ने जो आने तो रोकया गया उदों भी उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज ना पंजाब नूं प्रेजेंट किया। इस करके असं चाहते हैं कि पंजाब के योधे वो जुझारू आ, तो उन्होंने सानू साढ़े परिवार को खास करके माण है कि उन्होंने पंजाब की गल डट के जी करनी चाहिए सी पार्लीमेंट च की। तो बाकी असं उम्मीद करते हैं कि दूजे जो पार्लीमेंट पंजाब के आ या होर भी है जो इंसाफ पसंद है उन्होंने भी ये NSA के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए है। तो ये NSA नूं ये जिहड़ा कि असीं सरकार की ढीठता नूं भी एक सोचते हैं कि जो पार्लीमेंट तक भी आवाज़ जा रही है, इन्ने लोगों का फतवा भी आ, तो उन्होंने एक पार्लीमेंट तो दूर रखा जाना भी मेरा ख्याल है कि जिहड़ा इन्ने जिहड़े खडूर साहब के हल्के दे जां जिहड़े उन्होंने वोटा पा के उन्होंने जिताया उन्होंने कामां कारां तो भी वांझा रखा जा रहा है, करके बहुत वड्डा एक बेइंसाफी हो रही है। उहदे वास्ते मेरा ख्याल है कि सरकार नूं भी अपने फैसलों पर दोबारा गौर करनी चाहिए है, उन्होंने तो उन्होंने साथियों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बाकी पंजाब जो हालात बने पे आ नशे नाल रोज़ पता नहीं किन्नियां मौतां हो रही, इस करके मेरा ख्याल है कि पंजाब करप्शन की भी कोई हद नहीं गी, होर जिहड़े कोई ऐसो जे इशू आ कि जिधर सरकार नूं कोई उन्हां दे लोकां नूं इंसाफ देण दी लड़ाई लड़नी चाहिए सी उधर कोई भी ध्यान नहीं दिता जा रहा। जिहड़े पंजाब दे जिहड़े मुद्दे जिद्दां बेअदबी का मुद्दा वा वो उन्हों भी पंजाब तो बाहर शिफ्ट किया जा रहा कि जो कि बहुत बड़ा धक्का वा साडी कौम नाल, क्योंकि वो जिहड़ियां चीज़ां कि उत्थे जाके उन्हों रफा दफा किया जा सके किस तरीके ना, पहला भी कई सालों तो उत्ते मिट्टी पाउण दी जो कोशिश हो रही है वो ये जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां सरकार नूं मेरे ख्याल पंजाब सरकार नूं इहदे वास्ते काफ़ी ध्यान देना चाहिए। एक पासे जिहड़ी उहदे वास्ते बेअदबी वास्ते वो राम रहीम जां हनीप्रीत वास्ते केस चलाउण दी उहदी प्रवानगी नहीं दित्ती जा रही, ये जिहड़ियां चीज़ां साढ़े ना मेरे ख्याल है कि बहुत वड्डा धक्का कर रही है पंजाब सरकार जां मिल के। इस करके मैं तो सारे इंसाफ पसंद लोगों नूं असीं अपील करते हैं कि तुसीं जो NSA अर्गे गलत कानून आ जां बेअदबी अर्गे बंदी सिंह जिहड़े इन्ने चिरां तों साढ़े जेलां च बैठे आ उन्हां वास्ते सारिआं नूं आवाज़ उठाउण दी लोड़ आ ते जो कि एक इंसाफ दा राज हो सके। वाहे वेखो 6 लाख लोगों ने वोट पा के जताया तो चन्नी ने उहदे वास्ते पार्लीमेंट च आवाज़ उठाई, असीं बहुत उहदा धन्नवाद करदे हां कि उन्हां ने जिहड़ी साडे ते हो रही सारे पंजाब च जिहड़ी हो रही बेइंसाफी ते उन्हां ने मुद्दा चुकिया। तो मैं सारिआं नूं कहना चाहुंनी हां कि जिहड़े किते किसे नाल भी बेइंसाफी हो रही उहते ते सारे बोलण ते इन्हां दी NSA नूं हुण तोड़िया जावे ते तुरंत इन्हां नूं रिहा कीता जावे। हाँ चन्नी का ही दिलों बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सच वास्ते जिहड़ी आवाज उठाई है ते उहदा ही दूजे MP साहब नूं भी अहीं अपील करते हैं कि वह भी पंजाब के हकों लई ते जां जो सिखां नाल जां इह पंजाब नाल होईआं बेइंसाफियां की डट के गल करन ते जो पंजाब नाल इह बजट च भी धक्का किया गया असीं ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੱਕਾ।